हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कास्टिक सोडा, जिसका यूज़ करके हम हाइड्रोजन गैस बनाने वाले हैं। इसके लिए चाहिए होगी हमको एक कांच की बोतल। सो इसमें कांच की बोतल का यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक की बोतल का यूज़ करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। सो इसके लिए हमको एक चाहिए होगा बैलून, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इसमें हम मिला लेते हैं कास्टिक सोडा। इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर ले लिया है। तो ये रहा हमारा कास्टिक सोडा। डालने के लिए हमको कुछ चाहिए होगा इसके लिए। तो इसमें कास्टिक सोडा डालने के लिए एक पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पेपर को हम इसमें डाल लेते हैं। चलिए भी इसमें कास्टिक सोडा डालते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें कास्टिक सोडा डाल दिया है। तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो अभी डालने वाले हैं इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल। सो इस पर लगा लेते हैं हम बैलून को। सो हमारी कांच की शीशी काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुकी है, क्योंकि इससे हीट प्रोड्यूस होती है काफ़ी ज़्यादा। सो अभी रुकते हैं कुछ टाइम, तो देखते हैं इसे कितनी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। देखिए तो गाइस, सो गाइस इसमें देखिए किस तरह से धुआं उठ रहा है, और हमारी कांच की बोतल काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुकी है। अगर इसी जब हम कांच प्लास्टिक की बोतल यूज़ करते तो अब तक तो पिघल भी जाती, तो इसलिए मैंने इसमें कांच की बोतल का यूज़ किया है। तो कैसे देखिए कितनी तकड़ी इसमें रिएक्शन हो रही है। सो बोतल हमारी काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुकी है, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। सो हम इससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। सो गाइस, हमारी इतनी गैस बन पाई है। सो उस बोतल से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी, सो उस बोतल को हमको फेंक के आना पड़ा, क्योंकि ब्लास्ट भी हो सकती थी वो। सो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं, ये प्योर हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। तो चलिए इसमें हम आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बैलून को हम एक पेपर के थ्रू ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये बैलून ब्लास्ट हो जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं इसमें लगा लेता हूँ आग, और करते हैं इसका वेट ब्लास्ट होने का। तो दोस्तों, जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।